रेडी कैसे मेकअप वेकअप करके जाने के? मैं हूँ अभी बाहर, केक वगैरह ऑर्डर कर लिया। ये बनाया हमारा आलू गोश्त बकरे का, और ये बनाया हमारी अम्मी ने, जो कि इनका कहना है। अब बोल क्या खाएगा? चीज़ खाएगा, चीज़। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। व्लॉग की शुरुआत हो गई है। सुबह हम पता नहीं कब उठे थे, 3 दिन होगा सुबह उठे हुए। फिलहाल बैठे हुए आइसक्रीम खा रहे हैं चेयर पर। वाली आइसक्रीम चल रही है भाई, मलाईदार मैंगो वैंगो मिक्स है इसमें, मलाई वलाई फिलहाल मेल्ट हो गए बहुत। मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा टीवी में रख दें, सॉरी फ्रिज में रख दें। गौर से देखिए इस शख्स को, ये वही शख्स है जो कल तक हमसे लड़ाई लड़ रही थी और आज कह रही जानूंगा। कहाँ जाने के लिए रेडी हो रही बताओ यार? भांजे का बर्थडे है तो वहाँ पर ज़रा बड़े सेलिब्रेशन करेंगे, मज़ा आएगा। जल्दी फटाफट रेडी हो, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ अभी। अभी हमने एक फ्रेंड का परसों बर्थडे मनाया और आज एक बर्थडे और मनेगा भांजे का छोटे वाला। अब देखते हैं बर्थडे कैसा मनता है। सो गाइस मैं जाने के लिए हो गया हूँ रेडी, यानी कि मैडम जी भी हैं रेडी और अब बस निकलने की तैयारी है। केक वगैरह लेना है, एक छोटा सा केक ले लेंगे अच्छा सा जो बैटर लगे। रेडी कैसे मेकअप वेकअप करके जाने के नाम से कैसे तुम्हारा चेहरा खिलखिलाता है? वरना तुम एक जगह होती है, मुझे कहीं नहीं लेके जा रहा है, यहीं पर ही हूँ मैं। चलो संडे को चलेंगे किसी जगह घूमने। नहीं जाना? पक्की बात देख लो, फिर लेके नहीं जाऊँगा। अभी देख लो, हाँ आज कह दो, अगर जाना है तो बता दो। हाँ नहीं कहोगी नहीं लेके जाऊँगा, कैंसिल। अब कहीं नहीं जाओगी, चलो फिलहाल अभी चलो। मैं हूँ अभी बाहर, केक वगैरह ऑर्डर कर लिया है, हमारा केक रेडी होके, जो मैंने आधे घंटे पहले ऑर्डर कर दिया था, मगर अब डिलीवरी हो गई है इसकी, मैंने खुद ही ली है डिलीवरी। साथ ही साथ में हमारा नमकीन का सामान भी आ गया बहुत सारा, ये दो थैलियाँ आ गए और नीचे हमारा केक रखा हुआ है, गाटे का केक। इधर देख के बता कौन उस पर लिखा हुआ क्या है? जैनुल, क्या लिखा हुआ उस पर? आशु लिखा हुआ है। कैसे काटेगा केक तो बता, बैठ के नीचे बैठ के कैसे काटेगा? ऐसे यूं करके। हम तो वो लेके आएंगे टॉमी और मियाऊ, डॉगी बड़ा वाला, और एक मियाऊ और एक बकरा। बकरा कटेगा, बकरा कैसे कटता है बकरा? कट गया भाई, कट गया। ये नए तरह के ढोकले, एक ये और एक ये वाला खा लो ना। शर्माती क्यों वीडियो बनवाने में? तूने खा लिया? इसमें ढक्कन ढक दो खाने के बाद, वरना ये सूख जाएगा। लाओ लीची दे दो तोड़ के, ये वाली दे दो खाने में। लेटा जा रहा हूँ, आएगा यहाँ ऊपर आ, जल्दी ऊपर आ चढ़ के। अब बोल क्या खाएगा? चीज़ खाएगा, चीज़। और केक कौन काटेगा? केक कौन काटेगा बता? मैं काटूंगा, जल्दी बता, मैं काटूंगा क्योंकि मैं हाथ से बताओ, हाथ से। इसके नाना ने इसके लिए नमकीन भेजी है बहुत सारी। चल केक काटने, चल चल खाओ, चल चल केक काटेंगे। भेड़िया गिरदन तोड़ दूंगा। लाइट्स बंद करो, लाइट्स लाइट में दबा बस। ये भाई काटेगा कौन केक? छुरी कहाँ है? छुरी जेड पीछे हो। अरे छुरी इसमें ना, आशु के पास है, आशु के पास। क्या बुझा रहा है? बुझाइयो, बुझा मोमबत्ती। हो कैंडल बुझ रही है, देखो वाली बुझ गई। चलो चलो भाई, चलो काटो। वो देखो वो भी मार रहा है पीछे का, कट गया। फूक मार, जल्दी फूक मार, फूक। हैप्पी बर्थडे टू यू। किसका बर्थडे? ले इससे भी तो कटवाओ यार, इससे भी तो कटवाओ। लंगड़ा मियाँ खुद खा रहा है। नियत अड़ लगी तुम्हारी केक पे पहले से पहले ही। चलो तू क्यों तालियां पीट रहा है, ले इसको खिला दे भाई, वो बेताब हो रही है देख। चलो नानी को भी खिलाओ,
ये बनाया हमारा आलू गोश्त बकरे का, और ये बनाया हमारी अम्मी ने, जो कि इनका कहना है कि हमें क्रेडिट देते ही नहीं है। यह हर खाना अपने हाथ से बनाती हैं, जो भी खाना बनता हो ये लीडर बनाने वाली, और वो टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से क्या हुआ क्या हुआ। फिलहाल जी गाइस बहन के घर से आ गए थे, भांजे का बर्थडे भी अच्छे से मना लिया है और अब आकर बैठ गए। थोड़ा मेरी हालत जो है वो डाउन हो रही है। इसका रीज़न ये है कि पता नहीं सडनली ऐसा लग रहा है कि मुझे नज़र हो गई है, नज़र भी उतार ली है, थोड़ा सिर हल्का हल्का हुआ है, अब भारी भारी नहीं है, है हल्का हुआ है मेरा सिर थोड़ा नज़र उतारने के बाद ही। तो यार तुम इतनी नज़र लगती होते, अगर तुम खूबसूरत तो पता नहीं क्या हाल होता तुम्हारा। नहीं कुछ चाह रही हो तुम ये बताओ, कुछ चाह रही हो तुम ये बता दो, मुझे क्या चाहती हो दोबारा बोलो। नहीं दोबारा बोलो क्या चाहती हो। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब आप इतने काले पीले हैं, जब आपको इतनी नजर लगती है, अगर आप बहुत ही खूबसूरत तो पता नहीं आपका काला, काला पीला नजर आ रहा हूँ घंटे यूं मिर्चे लेके बैठे रहते का शुक्र एहसान है यार। हाँ ये बात तो वैसे ठीक है, ज्यादा मैं गोरा चिकना नहीं हूँ, अगर होता तो सच में यूं मिर्चे लेके बैठ रहा हूँ, उतारते रहो। बर्थडे सेलिब्रेशन किया, मजा आ गया, नज़र पता नहीं किसकी लगी मगर फिलहाल उतार लिए इवन नज़र। तुमने वो सुना है सलमान, एक टिकटॉक पे बड़ा वायरल हुआ था, क्या हुआ था वो था ये है पार्टी, एक बार शादी हो जाएगी तो बहुत पछताओगे फिर घर वालों से मिल नहीं पाओगे। ये पति ले लो, पति ले लो, पति ले लो, ₹5 ₹10 ₹10 पति ले लो, पति ले लो, बड़ा सूट करता है ये है पार्टी। नहीं आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में शायद यही होगा, पति ले लो, पति ले लो, ₹10 ₹15 ₹20 ₹25 पति ले लो, पति बाय वन गेट वन, उस पे वो जो होती है ठेला टाइप जो होता है उस पे यूं लेके जा रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि पत्नी ले लो बाय वन गेट वन, बाय वन गेट इतना शरीफ हूँ मैं, क्या लगता नहीं हूँ मतलब मासूमियत तो भाई चेहरे पे उतरती है। चलिए गाइस मेरे बाल हो रहे हैं जैम, मैंने स्प्रे लगा ली थी, लेकिन स्प्रे से बाल बहुत झड़ते हैं तो अरे यार कभी कभी लगा लेता हूँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं टकला हो रहा हूँ गंजा हो जाऊँ। चाय बनाओ तुम मेरे लिए, बाकी मैं करता हूँ व्लॉग को यहीं पर ही। मैंने अभी फैसला लिया है कि भाई हम एक अच्छा सा डॉगी लेकर आएंगे, बढ़िया सा डॉगी लाएंगे जो अच्छा सा क्यूट सा होगा प्यारा सा। क्या नाम था उसका, नाम क्या था, लोलो पपी। एक बड़ा क्यूट सा है, बिल्कुल इतना सा है लोलो पपी, उसको पॉकेट में दिखाना जरा कैसा है। यार बड़ा प्यारा लग रहा है, देखो देखो है ना क्यूट लग रहा है, क्यूट यार। ये ना पता नहीं मिलने रहा दिल्ली में, मैंने कोशिश की है कॉन्टेक्ट करने की, बड़ा प्यारा लग रहा है यार ये कार्टून कार्टून सा छोटा सा, हम इससे खेलेंगे, इसको नहलाएंगे अच्छे अच्छे, इसको कपड़े पहनाएंगे ना, अच्छा लग रहा है फिलहाल। इसका बाल ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका बाल ना खड़े रहने चाहिए। क्या नाम था इसका, नाम तो पीरेस्ट Pinterest। चलो भाई दबे व्लॉग करते हैं पर एंड, बाकी देखते हैं कि अभी ये अगर दिल्ली में मिलेगा तो ये ज़रूर मैं लेकर आने की कोशिश करूंगा, नहीं अगर ये नहीं आ सका तो फिर इसके अलावा दूसरा लेकर आना पड़ेगा, मगर लाएंगे क्यूट सा अच्छा सा जो हमें भी अच्छा लगे और आपसे भी हम जो शेयर करें आपको भी अच्छा लगे। पर्शियन कैट, अरे पर्शियन कैट की बजाय फिर वही ले लेंगे ना अच्छा सा डॉगी, मैंने दिखाया था फोटो। चलो देखते हैं भाई दबे, या तो फिर ये मिल गया तो ठीक है, वरना तो फिर पर्शियन कैट है वो भी बहुत ज़्यादा मस्त है। थोड़ी बहुत टेंशन भी बहुत है कि हमारे को थोड़ा सा शिफ्टिंग को लेकर के प्लानिंग करनी है, मगर वो भी देखेंगे बाद का। बाकी आप इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहा है, इतना ज़्यादा सपोर्टिंग है, उसके लिए थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। बाय गाइस, बाय।